किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि रास में प्रवेश मिल गया और आज भी भोलेनाथ गोपी बन के रह गए मेरा ठाकुर जी की। किसी को भी प्रवेश नहीं मिला, बड़े बड़े देवताओं को, ब्रह्मा आदियों को नहीं मिला। इसलिए हमारे यहाँ के या ब्रज के कोतवाल कौन है, कौन है? भोले बाबा है महाराज। या ब्रज में मथुरा में आप जाओ भूतेश्वर, तो भूतेश्वर में कोतवाल के रूप में कौन बैठे हैं? भोले बाबा बैठे हैं। इसलिए भोले बाबा पर भी जिन्होंने कृपा की है, जिन ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष तक श्री जी के केवल नखचंद्र देखने के लिए कठिन तपस्या की, तब जाकर के श्री किशोरी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो आज भी बरसाने में ब्रह्मांचल पर्वत के नाम से किशोरी जी को अपने ऊपर उठाए हुए हैं। हमारे यहाँ तीनों देव पर्वत के रूप में या ब्रज क्षेत्र में विराजमान है। गोवर्धन साक्षात विष्णु भगवान है, नंदगांव में भगवान को सिर पर माथे पे लिए वो शिव हैं, और बरसाने में ब्रह्मांचल पर्वत स्वयं ब्रह्मा है। अनसुईया मैया के श्राप से ये तीनों देवों को पर्वत होने का श्राप मिला था, तो ब्रज भूमि में ये तीनों देव पर्वत रूप में भगवान की सेवा सुश्रुवा कर रहे हैं। इसलिए गिरिराज जी की बड़ी महिमा, हमारा साक्षात नारायण ही है ना, गिरिराज जी साक्षात प्रभु हैं। इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी का स्पर्श, सेवा आदि जीवन में भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए आज भी उद्धव जी गिरिराज जी में ही रहते हैं, इसलिए गिरिराज जी के वृक्षों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी भी परिक्रमा लगाओ तो वृक्षों को नहीं नोचना चाहिए। खासकर तो मैं तो ये कहती हूँ कि ब्रज की किसी भी पत्तों को नहीं नोचना चाहिए बिना वजह, क्योंकि कोई भी डाल पात में कोई साधारण नहीं बैठा होगा महाराज। जहां मांगने वाले यही मांगते हैं कि मोकु लता पता, कोई रज का कण ही बना देना प्रभु, पर धाम में ही बनाना, मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी ब्रज की किसी भी चीज को व्यर्थ ना तोड़े मरोड़े, पेड़ पौधों को पत्तियों को ना तोड़े मरोड़े। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।